शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। मिंबरे नूर पे रौनक अफरोज उलमाए किराम शोराए नात हुफाज कुर्रा और जुमला बिरादरान अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انه جبرائيل اتاكم يعلمكم دينكم صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। आप हजरात बुलंद आवाज से हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का हदिया पेश करें। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعد الجود والكرم والي واصحابي والي وسلم। इल्म दीन हासिल करना मर्द औरत सब पर फर्ज है। उसी फरीजे की अदायगी के लिए ये मजलिसे सवालो जवाब कभी कभी मुनअक़िद की जाती है ताकि आपके जो दीनी ज़रूरी और अहम मसाइल हों जो आपके समाज में या आपके दिल में खलजान का सबब बने हुए हों उन्हें पेश करें और उनका शरई हल आपको बता दिया जाए। हमेशा इसमें जो ज़रूरत की बातें हों वही पूछी जाती हैं। अदब को हमेशा मलहूज रखना चाहिए। यह बज़्म कभी अहद रिसालत पे मुनक़िद हुआ करती थी। खुद हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मजमियाम में तशरीफ फरमा होते, सहाबे किराम अपने सवालात पेश करते और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाबात इरशाद फरमाते। एक बार तो तायरे सिदरा हजरत जिब्रील अमीन अला नबीना वालिस्तात तशरीफ लाए और उन्होंने कई एक अहम सवालात कर दिए जिनके जवाबात सरकार अलैहिस्सलाम ने एक आम बज़्म में दिए जिससे सहाबे किराम को बड़े फवायद हासिल हुए। उसी सुन्नत नबवी की पैरवी में और दीनी मसाइल को सीखने और सिखाने के लिए यह बज़्म कायम की गई है। अल्लाह ताला इस बज़्म को कबूल फरमाए और हम लोगों को दीन के अहम और ज़रूरी मसाइल पूछने सीखने समझने और फिर उस पर अमल करने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन। अब हम देख रहे हैं कि आपने क्या सवालात भेजे हैं या क्या भेजेंगे। हम इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से कोशिश करेंगे कि कुरान और हदीस की रोशनी में मजहब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक जवाबात आपके सामने पेश करें। गौर से सुनिए समझिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिह।